किरदार के बारे में एक एक करके आप लोग बताएं. Very excited, obviously, because Nagin is the most famous franchisee on TV. मेरा किरदार है नयन तारा का. She is bold yet broken. She just has one motive. She wants to take revenge for her mother because his family killed my father and my mother has suffered all her life. So that's my character. निया? Hi, मैं हूँ ब्रिंदा. मैं एक बहुत सिंपल और एक काइंड हार्टेड लड़की हूँ और मैं पारिक फैमिली के बहुत बहुत डेडिकेशन के साथ उनका ध्यान रखती हूँ. वो मेरे को अपनी डॉटर की तरह रखते हैं एंड हमेशा मैंने अपनी पूरी लाइफ उनके घर में पली बड़ी हूँ. और देव से शायद मैं अभी तक मिली नहीं. आई थिंक हमने सिर्फ अपना बचपन साथ में बिताया था. सो आई थिंक अभी तक ना मैंने नयन तारा के साथ शूट किया ना मैंने देव के साथ शूट किया. एंड शांतनी आई मस्ट से शी इज लुकिंग द हॉटेस्ट इन द शो. अभी जो मैंने ट्रेलर देखा एंड डैम डूड आई मीन शी सेट स्टैंडर्ड्स फॉर हर अस गर्ल्स. थैंक यू सो मच. हाय मैं हूं देव. देव पारिक. बहुत पैसे वाला हूँ. दूंगा धीरे धीरे जैसे शो बढ़ेगा सब. एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल बट ही इज नॉट बोरिंग. फन लविंग है और बहुत सालों तक इंडिया से दूर रहा है और मुंबई वापस आ रहा है बिकॉज ही लव्स हिज दादी. उसकी बर्थडे पे आ रहा है और देन ही इज गोना बी हियर. और उसके बाद में स्टोरी कैसे आगे चलती है, इनका रिवेंज कैसे पूरा होता है. अच्छा. देखते हैं. हाँ. वो देखना पड़ेगा 14 दिसंबर से. हाँ, सैटरडे संडे. वेल मेरे किरदार का नाम है मान्यता और शो की शुरुआत जैसे इन लोगों ने बोला कि मान्यता की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमारा टैगलाइन है भाग्य का जहरीला खेल. तो भाग्य जो है मान्यता और केशव जो उनके पति है उनकी ज़िंदगी के साथ एक जहरीला खेल खेल जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट जिंदगी में ज़िंदगी जो है क्या रुख लेती है और जो रिवेंज स्टोरी है मान्यता उसकी बेटी हम मिलके जो है इस पारिक परिवार से जो अपना बदला है हम वो पूरा करने वाले हैं. बाकी तो विस्तार में हम कुछ बोल नहीं सकते. आप लोगों को 14 दिसंबर से देखना ही पड़ेगा नागिन. मैं ऑनेस्टली बोलूं प्रेशर नहीं है. आई थिंक हम ना एक बने बनाए प्लेटर हमें दे दिया गया एंड जस्ट वी हैव बीन सर्व एक्चुअली प्रेशर एंड व्हेनेवर वी गो यू नो जिसने भी बोला व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट आई सेड नागिन वाज बिग इनफ फॉर देम टू नो दैट ओह नागिन यू डूइंग सो इट इज फेचिंग सो मच अटेंशन. एंड प्रेशर ये नहीं है कि विल शो को हमसे प्रेशर आई थिंक मुझे पर्सनली है टू प्ले नयनतारा परफेक्टली क्योंकि मैंने बहुत ही अलग तरीके के कैरेक्टर्स करे हैं. मैं एक्चुअली बहुत ही अलग हूँ तो मेरे लिए बॉडी लैंग्वेज बात करना एवरीथिंग हैज बिकम वेरी चैलेंजिंग. सो मुझ पे सिर्फ वो प्रेशर है. मैं भी बहुत अलग हूँ. मेरे लिए भी प्ले करना बहुत चैलेंजिंग है. आई थिंक प्रेशर आई थिंक विल टेक इट एज अ मोटिवेशन फैक्टर क्योंकि अगर हम प्रेशर लेंगे सो इट्स गोइंग टू रियली बॉग अस डाउन. बट व्हाट आई थिंक आई कैन इफ आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम वो ये है कि क्योंकि इतना बड़ा शो है सो ऑब्वियसली हमको यहाँ से आगे ही जाना है. पीछे तो हटना है नहीं. तो हम इसको रैदर एज अ यू नो मोटिवेशनल फैक्टर एज अ चैलेंज मानते हुए जा रहे हैं. एंड जो ये हिट फ्रेंचाइजी है इसको और मतलब ये जो हिट इसका सफर रहा है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए. निया जासमिन आप दोनों से जानना चाहूंगा आप लोग बिग बॉस में गए थे शो को प्रमोट करने के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा सलमान सर के साथ. ये बहुत शॉर्ट रह गया. आई थिंक हमारा प्रमोशनल एक्टिविटी जो था वो आई थिंक लास्टेड 10 मिनट्स. उन्होंने बहुत अच्छे से शो को हम सबको इंट्रोड्यूस किया एंड द सेगमेंट वेंट रियली वेल. मजा जो है ब्लॉकबस्टर नाइट था लोगों ने देखा. ब्लॉकबस्टर नाइट क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं उसको लेकर अगर आप लोग बताएं उस बारे में. हम खुद ही खुश हो जाते हैं. हम अपनी परफॉर्मेंस देखकर इंस्टाग्राम पे क्लिपिंग्स आती हैं हम तीनों की. आई सेड गुड बहुत नहीं बट इट्स रियली स्पेशल बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट सीजन फर्स्ट टाइम नागिन के लिए एक पूरा इवेंट हुआ 3 आवर्स का व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू कलर्स एंड दिस होल शो वाज वेरी वेल. I was in Dubai yesterday. मैं आज सुबह ही आई हूँ तो वहाँ पर भी लोग very honestly and your performance was amazing. So amazing. Honestly वहाँ पर भी you know people are really awaiting the show and बहुत ही ज़्यादा buzz create हुआ है. So I think hats off to team, to Balaji, to Colors for you know just making Nagin the way it is. Please ask Vijendra something. वो तो नहीं बोलेगा. जो है इतनी सारी लड़कियां हैं आप अकेले हैं उसमें कैसा ऑन सेट कैसा माहौल रहता था थोड़ा सा उस बारे में बताइए.
बहुत अच्छा, मतलब मेरा रीजन ही ये है कि बट ऑनेस्टली ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड. एंड जो आप पूछ रहे थे कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं और क्या फीडबैक आ रहा है, तो सबका आ रहा है कि एवरीबॉडी इज लुकिंग वेरी नाइस. कल जो डांस हुआ था उसके ऊपर भी बहुत हॉट 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 ऐसे कमेंट्स आए. तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम होपफुल कि हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड ऑल्सो. तीनों के बारे में अगर एक एक चीज अगर आपको बतानी हो तो वो क्या होगी, मतलब उनकी मतलब यूएसपी, सॉरी जितना मैं मिला हूँ, जितना दे वेरी वार्म, दे वेरी नाइस. हाँ मतलब वैसे मिले हुए हैं सब लोग, शी इज वेरी स्वीट क्यूट है, जो दिल में होती है बातें बोल देती है, तो इट्स इजी टू वर्क विद हर. विद निया आल्सो पहले एक आधा सीन हमने किया हुआ है कुछ और जगह पर, बट यहाँ पर भी मेन यही है कि बहुत इजीली हम लोग साथ में काम करना शुरू किया, तो बहुत इजीली हमने कर लिया. इंटेलिजेंट मैन, बोले किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगा इसको काम करना है. बुरा जब मैंने जानूंगा तब मुझे पता चलेगा कि क्या है बुरा. देन आई विल टेल यू, देन कम टू मी वन ऑन वन. और इनसे तो आज मैं पहली बार मिला हूं एंड बहुत स्वीट लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, हॉट लग रही हैं. मेरे पास इनके लिए बोलने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें ही हैं इस वक्त, लेकिन बाद में देखते हैं कि क्या. Cool. बहुत अच्छा आंसर दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. हां विजुअल कर लेते हैं. चारों का साथ में चलो डिवाइड कर लेते हैं. ये टेबल को थोड़ा सरका देना ताकि केवल आवाज नहीं लेने. हां उसको भी आइडिया कर देना. हो गया. चलो चलो साथ में. चलो थैंक यू. चलो थैंक यू सो मच. व्हाट निकाल दिया तूने एक्सेल.